नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहे, लेकिन अब उन्होंने अपने हमले का रुख आरजेडी की तरफ भी कर दिया है। सुधाकर सिंह ने आरजेडी पर भी सवाल उठाया है, आरजेडी की ए टू जेड नीति पर सवाल उठाया है। दरअसल आप जानते हैं, जब वो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुखालफत कर रहे थे, नीतीश कुमार को शिखंडी कहा था और लगातार बयान दे रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ, जेडीयू नाराज हुई, जेडीयू ने आक्रामक तेवर दिखाए। उसके बाद आरजेडी ने नोटिस भेजा सुधाकर सिंह को, 15 दिनों की मुहलत दी कि आप इस तरह के बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर दे रहे हैं, आप पर क्यों नहीं कार्रवाई की जाए। सुधाकर सिंह ने इस नोटिस का जवाब दिया है, लेकिन अपने जवाब में जो इन्होंने लिखा है उससे साफ होता है कि अपनी पार्टी पर भी सुधाकर सिंह सवाल उठा रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्ध की, जिनकी तरफ से सुधाकर सिंह को नोटिस जारी किया गया था, उनको 5 पन्नों का जवाब सुधाकर सिंह ने भेजा है और उसमें उन्होंने राजद नेतृत्व पर भी सवाल उठाए हैं। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने राजद नेतृत्व को सीधे कटघरे में खड़ा किया है। राजद विधायक सुधाकर सिंह ने अपने जवाब में लिखा है कि हमें जो नोटिस दी गई उससे राजद की ए टू जेड नीति की पुष्टि नहीं हो रही, अकेले चिन्हित कर नोटिस दिया गया, हमने मंडी कानून को लेकर सवाल उठाया, यह तो राजद के एजेंडे में है, जब हमने सवाल उठाया तो पार्टी मेरे साथ खड़ी नहीं हुई, आखिर किस राजनीतिक दबाव में ऐसा किया गया। सुधाकर सिंह ने 30 तारीख को भेजे अपने जवाब में कहा है कि भेजे गए नोटिस में उस बात का उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संदर्भ में मेरे द्वारा की गई टिप्पणी से राजद के राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित प्रस्ताव का उल्लंघन हुआ है। हालांकि मेरे किस बयान से इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया नोटिस में इसका जिक्र नहीं है, यह बात न सिर्फ त्रुटिपूर्ण है बल्कि निराधार भी है, साथ ही प्रथम दृष्टया तार्किक प्रतीत नहीं होता है। नीतीश कुमार जेडीयू के नेता हैं, राजद के राष्ट्रीय अधिवेशन में किसी अन्य राजनीतिक दल या उसके सदस्य संबंधित ना कोई चर्चा हुई ना ही कोई प्रस्ताव पारित हुआ था। राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित प्रस्ताव में राजद के किसी भी कार्यकर्ता को अन्य दल के कार्यकर्ताओं पर टिप्पणी करने के लिए न तो मना किया गया और ना ही रोक लगाई गई थी। ऐसे में स्पष्ट होता है कि जेडीयू नेता नीतीश कुमार से संबंधित मेरे किसी बयान से राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित प्रस्ताव की अवहेलना नहीं हुई, हमने नीतिगत मामलों पर सवाल उठाए थे, इसको विस्तार से समझा जाएगा तो स्पष्ट मालूम होगा। तो अपनी ही पार्टी को आईना दिखाया है, अपनी ही पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठा दिया है अब सुधाकर सिंह ने, और सुधाकर सिंह ने कहा है कि मुझे जो नोटिस भेजा गया उसमें इस बात का जिक्र ही नहीं है कि मेरे किस बयान से पार्टी के अनुशासन की अवहेलना हुई, मेरे किस बयान से, किस बयान को लेकर पार्टी ने ये नोटिस मुझे भेजा है। ऐसे में ये साफ तौर पर लगता है कि ये त्रुटिपूर्ण है और प्रथम दृष्टया अतार्किक भी है, तार्किक नहीं है। तो सुधाकर सिंह ने जवाब भेज दिया है और इस जवाब में, अपने जवाब में उन्होंने आरजेडी को भी कटघरे में खड़ा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।